अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मैंगो ट्राइफल। आम का जो ट्राइफल होता है बहुत अच्छा लगता है खाने में, जिसके लिए मैं सबसे पहले बनाने जा रही हूँ शुगर सिरप। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी अपनी शुगर ले ली है और आधा कटोरी ही मैं इसमें पानी डालूँगी, बस ये काफ़ी होगा। और अब हम इसको, मैंने गैस ऑन कर दी है, एक से दो ड्रॉप मैं इसके अंदर जो है नींबू का रस डालना है बस। और इसको चलाते हुए हमें बस चीनी को मेल्ट करना है और कुछ नहीं करना। इस तरीके से थोड़ी देर चला दें और आप चाहे तो इसके अंदर कोई सा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम आम का ट्राइफल बना रहे हैं तो मैं इसके अंदर मैंगो एसेंस ही एक दो बूंद डालूंगी। ये देखिए हमारी जो ये शुगर है मेल्ट हो चुकी है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक से दो ड्रॉप मैंगो एसेंस के। ज़्यादा ना डालें, सिर्फ एक से दो ड्रॉप डालनी है। और ये जो चीनी हमारी पूरी मेल्ट हो चुकी है, बस यहाँ पर मैं अपना फ्लेम बंद कर दूँगी। बाकी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा सामान है। ये मैंने एक जो आम है इसको बारीक बारीक ऐसे चॉप कर लिया है और ये मेरी एक स्पून मैं व्हिपिंग क्रीम लिया, ये ऑप्शनल है, इसको मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। और ये ब्रिटानिया का कोई सा भी केक ले लें आप चॉकलेट छोड़ के। और ये प्रीमिक्स जेली पाउडर मैंने मंगाया था, जिसकी थोड़ी थिक मैंने जेली बना ली है। और ये वही शुगर सिरप है। ये मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं जिनके किनारे मैंने अलग कर दिए हैं। और ये बादाम और पिस्ते हैं जिनको, ये भी ऑप्शनल है, सिर्फ डेकोरेशन में काम आएंगे। और ये मैंगो प्योरी मैंने बना ली है। तीन आम लिए थे मैंने बड़े और उनको बहुत सिंपली ऐसे ही बस मिक्सी के जार में बिना दूध और पानी डाले गाढ़ा सा मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और ये जो हमारी क्रीम है ये बहुत इस वक्त चिल्ड है तो मैं इसको ऐसे ही करके इसको हल्का हल्का बीट कर लूँगी। ये देखिए मुझे इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब थिक नहीं करना था, इसलिए मैंने इसको स्पून से ही हल्का हल्का बीट कर लिया है एक ही डायरेक्शन में। ये रहा, ये मैं अभी बाद में इसको दिखाऊंगी क्या करना है। और हमारा जो ब्रिटानिया का जो केक है इसको आप हाथों की मदद से बस ऐसे हल्का हल्का सा क्रश कर लीजिए। इसकी हम लेयर लगाएंगे अपने ट्राइफल के अंदर। ये देखिए बहुत इजीली हो जाएगा, सॉफ्ट है बिल्कुल। थोड़ा देखिए, ये मैंने अपना एक जार ले लिया है जिसके अंदर मैं ट्राइफल को सेट करूँगी। सबसे पहले हमें ये ब्रेड इसके अंदर बिछा देने हैं। अच्छे से सेट कर दीजिए और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये शुगर सिरप।
ताकि हमारी जो ब्रेड है उसकी उसके अंदर सॉफ्टनेस भी आ जाए, और जो ब्रेड की जो अपनी एक स्मेल होती है वो भी हमें निकाल देनी है इसके अंदर से। तो आप अच्छे से इसके अंदर डालिए। अब हम इसके ऊपर अपना ये जो मैंगो प्योरी बनाया था हमने वो डालेंगे। अब मैं उसके ऊपर अपना जो हमने केक अभी क्रश किया था इसकी लेयर डालूंगी। थोड़ी मोटी सी इसकी जो लेयर है आप वो बना दीजिए और बहुत अच्छी तरह से इवन इसको आप कर दीजिएगा ताकि लेयर जो है हमारी वो दिखाई दे। अब मैं ये अपनी जेली ऐड करूंगी इसके ऊपर। थोड़े से ये काजू और पिस्ते और अब इसके ऊपर ऐड करूंगी मैं ये अपने पीसेस आम के जो हमने अभी कट किए थे। अब हम अगेन यहाँ पर अपनी जो ब्रेड है वो लगाएंगे। हमारा जो ये कंटेनर है वो नीचे से थोड़ा सा पतला था ऊपर से चौड़ा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़े से जो ब्रेड है वो कट करके लगा रही हूँ। यहाँ मैं डालूँगी शुगर सिरप अपना। प्योर है इस तरीके से आप एवन करते जाएं। अपनी जो लास्ट वाली लेयर है मैं इसको साइड से बचा के लगा रही हूँ मैंगो प्योरी। देखिए ये डेकोरेशन के लिए मैं कर रही हूँ, आप चाहें तो पूरी जो लेयर है वो एक जैसी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसको कलरफुल बनाना था इसलिए। अब हम डालेंगे इसके ऊपर ये अपने मैंगोस। और पूरे एहतियात के साथ अब मैं इसके ऊपर ये जो हमारी क्रीम थी ये काफ़ी मीठी होती है इसलिए इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो कोई वैसी चीज़ ले लें। अब यहाँ आप पिस्ता और बादाम, लेकिन डेकोरेशन जो है वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे जैसे करें, और ये चीज़ें ऑप्शनल हैं जो मैं ऊपर से लगा रही हूँ। आप चाहे जैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ट्राइफल अभी रेडी है और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी बिल्कुल सेट होने के लिए, ठंडा जब तक नहीं हो जाता मैं इसको बिल्कुल भी डिश आउट नहीं करूँगी। और मैं इसका आपको जो है लेयर दिखाती हूँ, ये देखिए, और इसकी लेयर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी इसके अंदर लेयर आ चुकी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेयर आ चुकी हैं। अभी हम आपको इसे दिखाते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए कितना शानदार हमारा ट्राइफल लग रहा है।
ये देखिए, और जब ये सेट हो जाएगा तो मैं आपको इसको सर्व करके भी दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हौसला अफज़ाई कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।